ASI report that we all have been waiting for has finally come out, and the Gyanvapi truth has also now tumbled out. Times Now has exclusively accessed the ASI survey report, which has concluded that there existed a large Hindu temple prior to the construction of the Gyanvapi mosque. The report reads, and I quote, "Based on scientific studies, a study of architectural remains, exposed features and artifacts, inscriptions, art and sculptures, it can be said that there existed a Hindu temple prior to the construction of the existing structure, which is a mosque. Furthermore, the report states that Arabic Persian inscription has been found inside a room. Crucially, it adds that a pre-existing structure appears to have been destroyed in the 17th century during the reign of Aurangzeb. During the recent survey, this stone inscription was recovered from a room in the mosque. Survey ke dauran ye jo wahan pe inscription tha usi mosque ke room se mila. However, the lines related to the construction of the mosque and its expansion have been scratched out. जो मॉस्क बनाने की और उसकी रिपेयर की बात थी, इस इंस्क्रिप्शन से उन लोगों ने उसको मिटा दिया है। दिस इज ऑल्सो ब्रॉट आउट बाय द बायोग्राफी ऑफ औरंगजेब मजलिस आलमगिरी विच मेंशंस दैट औरंगजेब इशूड ऑर्डर्स टू द गवर्नर्स ऑफ ऑल द प्रोविंस टू डिमोलिश द स्कूल्स एंड टेम्पल्स ऑफ इनफिडल्स। और ये जडूनाथ सरकार की फाइंडिंग को एएसआई ने रिलाई किया है और 2 सितंबर 1669 को बताया गया कि विश्वनाथ की जो मंदिर है वो ढहा दी गई। तो एएसआई ने यहाँ पे जडूनाथ सरकार की फाइंडिंग को रिलाई किया मजलिस आलमगिरी की। बताए तो 1669 की जो पहले के एग्जिस्ट जो पहले का स्ट्रक्चर था एक हिंदू मंदिर का, उसी के पिलर्स को रीयूज यहाँ पे किया गया, दोबारा इस्तेमाल किया। एएसआई ने माना है कि वहाँ पर हिंदू स्ट्रक्चर है, एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। एएसआई ने जो शब्द यूज किया है वो कहा है प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ही उसी के खंभों को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, उसी के ऊपर वो सारी चीजें बनाई गई हैं। इंस्क्रिप्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, फिर अरेबिक एंड पर्शियन इंस्क्रिप्शन ऑन द लू स्टोन, फिर स्कल्पचर रिमेन्स इन द सेलार्स एक्सेट्रा। इट कैन बी सेड दैट, अब ये एएसआई का जो कंक्लूजन है मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इट कैन बी सेड दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल prior to the construction of existing structure. The western wall of the existing structure is the remaining part of a pre-existing Hindu temple. ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है एएसआई की। एएसआई ने कहा है कि जो पश्चिमी दीवार है इस तथाकथित मस्जिद की, ये पार्ट है एक प्री-एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर का। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवार है, ये पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का पार्ट है। Well, viewers, as soon as the findings of the ASI survey became public, the petitioners erupted in jubilation and said that truth has finally won. तपस्या साधना सिद्ध होती हुई दिख रही है, क्या कहेंगे? बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे भोले मेरा नाम हो रहा है, बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, काम हो रहा है। बिल्कुल देखिए, सत्य की बहुत बड़ी जीत हो रही है। हम लोग तो 92 दिन गए थे, सर्वे हो रहा था, हम लोग के रोंगटे खड़े जा रहे, जब जा रहे थे देख रहे थे वहाँ क्या क्या प्रमाण थे, अनगिनत प्रमाण वहाँ पे पड़े हुए थे, तो हम लोग तो जान ही रहे थे। आज सत्य की जीत हुई, बहुत खुशी। एंड द नेशन